हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। देश भर के लोगों में देशभक्ति के जज्बे को और अधिक प्रगाढ़ करने के लिए प्रमुख रेलवे स्टेशनों और प्रमुख शहरों के मुख्य स्थानों पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा लहराया गया है। सरहदी बाड़मेर जिला मुख्यालय के रेलवे स्टेशन पर भी कुछ महीनों पहले तिरंगा लहराया गया था, लेकिन कुछ माह बाद इसे पुनः हटा दिया गया था। लेकिन शुक्रवार को बाड़मेर रेलवे स्टेशन पर रेलवे प्रशासन द्वारा पुनः 110 फीट की ऊँची तिरंगा फहरा दिया गया है। पोल पर लगे राष्ट्रीय ध्वज के ऊपरी सिरे पर लाल रंग की लाइट लगाई गई है, साथ ही रंगीन लाइट लगाने का भी काम किया गया है, जो रात में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को रंगीन रोशनी से सरोबार रखेगी। रेलवे स्टेशन पर फिर से राष्ट्रीय ध्वज फहराए जाने को लेकर लोगों ने काफी उत्साह नजर आ रहा है। रेलवे स्टेशन से गुजरते लोग और शहरवासी इसे देखने के लिए उमड़ रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले 20 जनवरी 2020 को बाड़मेर रेलवे स्टेशन पर 110 फीट ऊंचा तिरंगा फहराया गया था, लेकिन कुछ महीने के बाद रेलवे प्रबंधक ने इसे हटवा लिया था, जिसके बाद शहर के लोग फिर से यहां तिरंगा फहराए जाने की मांग कर रहे थे। बाड़मेर वासियों की जन भावना को ध्यान में रखते हुए रेलवे प्रशासन ने एक बार फिर से बाड़मेर रेलवे स्टेशन पर तिरंगा फहरा दिया है, जो हमेशा 24 घंटे फहरता रहेगा। वहीं रेलवे स्टेशन को रंगीन लाइटिंग से भी सजाया गया है। रात्रि के समय में रेलवे स्टेशन का नजारा और भी बेहद खूबसूरत नजर आएगा। जानकारी के अनुसार उत्तर पश्चिमी रेलवे के DRM दौरे को लेकर भी रेलवे प्रशासन बाड़मेर रेलवे स्टेशन की साफ सफाई, सजावट एवं अन्य व्यवस्थाओं में जुटा हुआ है। जागरूक टीवी की बाड़मेर से ठाकर राम मेघवाल की रिपोर्ट।